नहीं थम रही जंगली हाथियों का तांडव आज कई किसानों के धान फसल को किया नुकसान। लगातार महीनों से क्षेत्र में कर रहे हैं विचरण, फसल पकने के वक्त जंगलों से कुछ कर आबादी की ओर पहुंचकर फसल को करते हैं नुकसान। 5 हाथियों के झुंड ने लगातार मचाया हुआ क्षेत्र में आंतक किसानों के फसल को कर रहे हैं नुकसान। ये पूरा मामला लोरमी नगर से लगे महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सामान्य NTR के अघरिया और परसवारा बिट क्रमांक 1535 में 5 हाथियों के झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत। धान फसल को कर रहे चट रजगा जाग कर रहे ग्रामीण फसल की रखवाली, फिर भी 6 किसानों के धान फसल को किया नुकसान। मौके पर पहुंचकर हाथियों के झुंड को खदेड़ने में लगी है NTR प्रशासन, मौजे की मांग कर रहे हैं पीड़ित किसान। पूरा मामला कंचनपुर बिट क्रमांक 1529 का है। पूरा मामला धान पकने के समय हर वर्ष पहुंच जाते हैं इन 5 हाथियों के झुंड। नहीं थम रही जंगली हाथियों का तांडव आज कई किसानों के धान फसल को किया नुकसान। लगातार महीनों से क्षेत्र में कर रहे हैं विचरण, फसल पकने के वक्त जंगलों से कुछ कर आबादी की ओर पहुंचकर फसल को करते हैं नुकसान। 5 हाथियों के झुंड ने लगातार मचाया हुआ क्षेत्र में आंतक किसानों के फसल को कर रहे हैं नुकसान। ये पूरा मामला लोरमी नगर से लगे महज 5 किलोमीटर की दूरी पर सामान्य NTR के अघरिया और परसवारा बिट क्रमांक 1535 में 5 हाथियों के झुंड पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत। धान फसल को कर रहे चट रजगा जाग कर रहे ग्रामीण फसल की रखवाली, फिर भी 6 किसानों के धान फसल को किया नुकसान। मौके पर पहुंचकर हाथियों के झुंड को खदेड़ने में लगी है NTR प्रशासन, मौजे की मांग कर रहे हैं पीड़ित किसान। पूरा मामला कंचनपुर बिट क्रमांक 1529 का है। पूरा मामला धान पकने के समय हर वर्ष पहुंच जाते हैं इन 5 हाथियों के झुंड।